जब मैं अपने फ़ोन को चार्ज में लगाता हूँ तब, थैंक्स यार चार्ज में लगाने के लिए, और जब मैं अपने फ़ोन को चार्ज से हटाता हूँ तब, अबे इतना जल्दी क्यों निकाल लिया, अभी मैं फुल चार्ज नहीं हुआ। सो गाइस, आपने देखा कि किस तरह मेरा फ़ोन मुझे चार्ज में लगाने पे थैंक यू बोलता है, और जब मैं अपने फ़ोन को चार्ज से निकाल देता हूँ तो मुझे बोलता है कि अभी मैं चार्ज फुल नहीं हुआ हूँ। तो गाइस, इस तरह का कूल सेटिंग आप अपने फ़ोन में भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगा। सो वीडियो के लास्ट तक बने रहें ताकि आपको एक भी जानकारी मिस ना हो। तो चलिए गाइस, बिना देरी के ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको लेके चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। सो गाइस, आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर, और सबसे पहले आपको प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। जैसे ही प्ले स्टोर ओपन करते हैं, आपको सर्च बार में सर्च करना है बैटरी साउंड नोटिफिकेशन। जैसे ही सर्च करेंगे, इस तरह का लोगो आपको नज़र आएगा, तो सिंपली इसे आप इंस्टॉल कर लें। सो गाइस, मेरा एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका है, तो आप सिंपली मैं इसे ओपन करता हूँ। जैसे ही ओपन करेंगे गाइस, यहाँ पे आपसे कुछ परमिशन मांगा जाएगा, तो आप इसको अलाउ कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट परमिशन मांगा जाता है इनेबल परमिशन करने के लिए बैटरी साउंड नोटिफिकेशन का, तो इस पर आपको क्लिक कर देनी है। जैसे ही क्लिक करते हैं, यहाँ पर देखिए अनटिक किया हुआ है, तो इसको आपको टिक कर देना है। उसके बाद बैक आनी है आपको, और एक बार बैक करेंगे, उसके बाद इस तरह का आपको डैशबोर्ड नज़र आएगा पूरा ऐप का। अब नेक्स्ट आपको आगे जो करनी है इसमें सेटिंग, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्लस का एक सिंबल, तो सिंपली आपको न्यू सर्विस जो लिखा हुआ है इस पर आपको क्लिक कर देनी है। अब आपको यहाँ पर देख रहा होगा कि बहुत सारा ऑप्शंस, आपको इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है गाइस, इसी में आपका सारा आपका सेटिंग है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कनेक्ट लिखा है, डिसकनेक्ट लिखा है, फुल बैटरी और लो बैटरी। तो इसका क्या मतलब है मैं आपको बता देता हूँ सिंपल वे में। जैसे ही आप अपना चार्जर यानी कि कनेक्ट करेंगे अपने फ़ोन में, तो उस टाइम आपको किस तरह का आवाज़ निकालना है, तो ये इस पे जब आप टिक करेंगे तब आप यहाँ से कर सकते हैं। ये कनेक्ट का मतलब ये होता है कि जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे अपने फ़ोन में तो किस तरह का आप आवाज़ निकलवाना चाहते हैं, डिसकनेक्ट करेंगे तो किस तरह का आवाज़ निकलवाना चाहते हैं, फुल बैटरी चार्ज हो जाएगा तो किस तरह का आवाज़ निकलवाना चाहते हैं, और कितना परसेंट में फुल बैटरी चार्ज होगा यहाँ आप लिख सकते हैं। लो बैटरी में आप कितना परसेंट पे आप रखना चाहते हैं, मान लिया आप 20% पे यहाँ पर लिख देते हैं 20%, तो 20% जैसे होगा तो आपको लो बैटरी का अलार्म बच जाएगा, यानी कि आप जो भी इसमें ऑडियो सेव करेंगे वो बच जाएगा। चलिए, इस ऑप्शन को तो मैंने समझ लिया गाइस। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है आपको, यहाँ पे कनेक्ट पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको तीन ऑप्शन नज़र आता है, एक ऑडियो, एक रिंगटोन, एक टेक्स्ट टू स्पीच। अब देखिए कनेक्ट में जो आप वॉइस निकलवाना चाहते हैं तो उसमें से आपको किस तरह से निकलवाना है, अगर आप ऑडियो आपके पास है बना हुआ, कोई ऑडियो अगर आपके पास पहले से बना हुआ है, तो आप फाइल एक्सप्लोरर में जाके उस ऑडियो को यहाँ से क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। जैसे मेरे पास एक ऑडियो बना हुआ है, तो अब मैं दिखा देता हूँ। क्यों निकाला, अभी मैं चार्ज नहीं हुआ हूँ। देखिए इस तरह का ऑडियो मैंने पहले से बना रखा है, मैं आपको आगे अभी बताऊँगा कि कैसे आप इस तरह का ऑडियो बना पाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ रिंगटोन, अगर आप रिंगटोन सेट करना चाहते हैं तो आप रिंगटोन भी यहाँ पर सेट कर सकते हैं। टेक्स्ट टू स्पीच, अगर आप कुछ लिख के बोलवाना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ। देखिए देख पा रहे हैं, लेकिन इसका आवाज़ काफ़ी मतलब उतना खास नहीं है, तो आपको क्या करनी है, ये ऑडियो फाइल वाला ही ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अब आपको इसके लिए ऑडियो बनाना होगा, कनेक्ट, डिसकनेक्ट, बैटरी, फुल बैटरी और लो बैटरी, इसके लिए आपको क्या करना है, ऑडियो बनाना है। तो ऑडियो कैसे आप बनाएंगे, तो इसका ऑडियो बनाने के लिए आपको सिंपली आना है अपने क्रोम ब्राउज़र पे। सो गाइस, यहाँ पे मैंने अपना गूगल क्रोम ओपन कर लिया है, यहाँ पे सर्च बार में सिंपली सर्च करना है 11lab, आपको सर्च करना है यहाँ पे 11lab। जैसे ही आप सर्च करेंगे, आप देख पा रहे हैं इस तरह का वेबसाइट खुलेगा आपका, पहला वाला वेबसाइट जो दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देनी है। जैसे ही क्लिक करते हैं, आपको इस तरह का पूरा इंटरफेस वेबसाइट का नज़र आएगा, आपको इसमें जो भी आपको आवाज़ निकलवानी है यहाँ पे आपको टाइप करनी है गाइस। जैसे मैं अभी कनेक्ट जैसे चार्ज से करूँगा तो उसका आवाज़ मुझे अभी यहाँ पर निकलवाना है, ये मैंने टाइप कर दिया। अब यहाँ पर आपको सुनना है किस तरह का आवाज़ जनरेट हुआ है। अब देखिए यहाँ से मोड बहुत सारा दिया हुआ है, आप बदल भी सकते हैं इसका आवाज़ का टोन, बदल सकते हैं थैंक्स चार्ज में लगाने के लिए। देखिए इस तरह का आप निकलवा सकते हैं, आप इसके जगह पे कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको पसंद आए।
उसके बाद सिंपली गाइस इसको यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर देना। आपको आपका ऑडियो फाइल यहाँ पे क्या हो गया, डाउनलोड हो गया। इसको सुनने के लिए आप ओपन करेंगे और यहाँ पे आप सुन भी सकते हैं। चार्ज में लगाने के लिए ठीक है। चलिए अब एक और आपको वॉइस निकलवाना है। जब आप चार्ज से निकाल देंगे तो उसके लिए भी ऑडियो यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं। वाह, इस तरह मैंने लिख दिया गाइस। जब आप डिस्कनेक्ट करेंगे, चार्ज से निकालेंगे तो इस तरह का आवाज़ यहाँ पे आपको निकलवाना है। इस तरह का आवाज़ निकलेगा तो सिंपली इसे सुनने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। अबे इतना जल्दी क्यों निकाला, अभी मैं चार्ज नहीं हुआ हूँ। यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सही कर लूँगा, फिर से सुनेंगे। अबे इतना जल्दी क्यों निकाला, अभी मैं चार्ज नहीं हुआ हूँ। देखिए इस तरह का टोन हो गया। आपको सिंपली इसमें आपको अगर कोई बदलाव करना है, कोई दूसरा टोन चाहिए तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अबे इतना जल्दी क्यों निकाला, अभी मैं चार्ज नहीं हुआ हूँ। काफ़ी अच्छा लग रहा है सुनने में, तो सिंपली इसे मैं डाउनलोड यहाँ पे कर लूँगा। यहाँ पे ऑडियो मेरा डाउनलोड हो चुका है, यहाँ पे मैं इसे बजा। इतना जल्दी क्यों निकाला, अभी मैं चार्ज नहीं हुआ हूँ। देखिए हो गया। अब सिंपली मुझे क्या करना है, यही ऑडियो को यहाँ पे फिर से अपने ऐप पे आना है और यहाँ पे इसको अटैच करना है। अब देखिए कनेक्ट पे यहाँ पे क्लिक किया हूँ मैं, तो फाइल एक्सप्लोरर पे क्लिक करेंगे और वो जो ऑडियो अभी मैंने बनाया है वो यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। तो ये वाला ऑडियो है मेरा शायद, तो मैं इसे कनेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे सुन लेंगे। थैंक्स चार्ज में लगाने के लिए। देखिए गाइस कनेक्ट वाले में जैसे ही आप जैसे कनेक्ट जब होगा तो मेरा इस तरह का ऑडियो बजेगा। आप सही से अपना चूज आप सही से यहाँ पे अटैच करेंगे बजेगा। उसके बाद डिसकनेक्ट में मेरा ऑडियो मैं यहाँ पे बदल लेता हूँ। पहले कनेक्ट में यहाँ पे इसको सेव पे क्लिक कर देंगे। देखिए कनेक्ट वाला जब होगा चार्ज से कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे सेव हो गया मेरा ऑडियो। अब उसके बाद बैक आए फिर से प्लस पे क्लिक करेंगे। अब डिसकनेक्ट होने पे जो ऑडियो बजेगा उसको यहाँ पे हम अटैच कर देते हैं। ऑडियो पे आएंगे, यहाँ पे कनेक्ट। अब देखिए इसको बजा के यहाँ पे पहले इसको यहाँ पे चेक कर लेते हैं एक बार। इस तरह हो गया, इसको भी यहाँ पे सेव कर देंगे। अब देखिए गाइस यहाँ पे कनेक्ट और डिसकनेक्ट का ऑडियो सेव हो चुका है यहाँ पे। तो गाइस इस तरह का हो गया यहाँ पे। अब सिंपली आपको बैक आनी है, अब इसको चेक करना है कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो मैं सिंपली इसे एक बार चार्ज में लगा के चेक कर लेता हूँ यहाँ पे मैं। थैंक्स चार्ज में लगाने के लिए। देखिए प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब मैं इसे चार्ज से निकालता हूँ यहाँ पे। अबे इतना जल्दी क्यों निकाला, अभी मैं चार्ज नहीं हुआ हूँ। देख पा रहे हैं प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब फिर से हम अपने ऐप पे आएंगे और यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे। अभी मैंने आपको बताया कनेक्ट और डिसकनेक्ट पे आवाज़ कैसे निकलेगा, उसके बाद आपको फुल बैटरी चार्ज होने पे किस तरह आवाज़ निकलवाना है और लो बैटरी चार्ज होने पे किस तरह आवाज़ निकलना है। आप सेम वही स्टेप को अप्लाई करेंगे। तो गाइस फिलहाल मैं दो ही आपको ऑप्शंस करके दिखाया हूँ, बाकी बाद आप उसी सेम वही स्टेप करके आप इसको भी कर सकते हैं। बाकी आपको कोई भी कन्फ्यूज़न अगर रह जाता है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूंगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।